टे के एस में आपका स्वागत है, आइए एक साथ सीखें। नमस्ते अंतरिक्ष प्रेमियों, चलिए चंद्रयान 3 के रोमांचक अंतरिक्ष में खुद को डुबो देते हैं, भारत की अगले चंद्रन सेवा की दुनिया में। सोचिए, ये एक ऐसे यात्रा है जो चंद्रयान 2 के शानदार बड़े भाई की तरह है, जो एक बार फिर से चांद की खोज में निकलने के लिए तैयार है और कुछ सकारात्मक कर्मों का प्रदर्शन करता है। चित्रित करें, चंद्रयान 3 भारत की चंद्रन अनुसंधान की कहानी का तीसरा अध्याय है, जिसका पिछला अध्याय चंद्रयान 2 ने लिखा था। लेकिन इस बार इसमें और भी बड़ा उद्देश्य है, चांद के दक्षिणी ध्रुव के करीब एक सहनशील स्पर्श करने का। और क्या, इसके साथ एक साथी, एक रोवर भी है जो इसमें कुछ चंद्रन दृश्य देखने में मदद करेगा। आइए तकनीकी बताते हैं, इस कार्यक्रम में 3 हिस्से हैं, हर एक का अपना काम है। पहला है अंतरिक्ष यंत्र मॉड्यूल, जो चांद के चरण तरफ घूमेगा। चांद की उपमा तथा उसकी वातावरण को अध्ययन करने के लिए कुछ शानदार वैज्ञानिक उपकरणों का साथ लेकर बड़ा दिन, या कह सकते हैं उतरना दिन, 23 अगस्त 2023 है। अपने कैलेंडर पर मार्क करें, जब चंद्रयान 3 चांद पर पहुंचेगा तो वो इसके चरण तरफ एक आकृति में घूमेगा, सिर्फ चांद के पृथ्वी के ऊपर 164 किलोमीटर की दूरी पर। सोचिए उस ऊंचाई से चांद की तरफ देखने का आनंद, ये कुछ अद्भुत चंद्रन दृश्य होंगे। लेकिन यहाँ एक पलट है, चंद्रयान 3 सूर्य प्रकाश से चलने वाला है, बिल्कुल आपके कैलकुलेटर या सूर्याशक्ति से चलने वाले खिलौने की तरह। इसका निर्माण लगभग 14 पृथ्वी दिनों के लिए है, ये है एक चांद के दिन का समय। चंद्रन प्रवेशों की बात करते हैं तो क्या आपने रशिया की लूना 25 के बारे में सुना है? उसने जुलाई 2023 में चांद पार उतरना चाहा, लेकिन चीजन प्लान के मुताबिक नहीं गई, उसका एक सहायक वाहन ने चांद पार ठोकर मार दी। यहाँ चंद्रयान 3 आता है, ये भारत का तरीका है चंद्रन अनुसंधान के श्रोत खली छोड़ने का और दिखाने का कि उसमें क्या है। चंद्रयान 3 की पृथ्वी से दूरी तब बदलती रहेगी जब वो चांद के चरण तरफ घूमेगा। कभी कभी वो लगभग 384-400 किलोमीटर की दूरी पर रहेगा, और कभी कभी वो अपनी कदम फैलाकर 405-696 किलोमीटर दूर तक जाएगा। अभाव की तरफ आते हैं, चंद्रयान 3 इतना बड़ा मामला क्यों है? आप ISE भारत का चांद ज्ञान केंद्र के रूप में सोच सकते हैं। ये एक ऐसे छात्रों का खेल है जहां हम अंतरिक्ष के राज को खोजने निकल पड़े हैं। और साथ हाय साथ इस यात्रा से जुड़े सभी शानदार तकनीक और ज्ञान से हम आने वाली चंद्रन यात्रियों के लिए भी तैयार होंगे। ये वही मूल्यांकन है जिसे चंद्रयान 3 को विशेष ज्ञान बनाने और अंतरिक्ष में भेजने का दाम है। लेकिन हे, अंतरिक्ष अनुसंधान सस्ता नहीं होता ना? सोचिए अगर इस ब्लॉग पोस्ट में कुछ मजेदार चीजन होती, जैसे संख्या गणना का टाइमर, तो आप भी चंद्रयान 3 के प्रति उत्साह में शामिल हो सकते। और क्या, चलिए एक वर्चुअल मैप बनाएं जो पृथ्वी से चांद तक का रास्ता दिखाए, ताकि आप उसकी यात्रा को ट्रैक कर सकें। ओ, और याद ना करें, एक खास 3D मॉडल जो वाहन की खोज में करे, ताकि आप उसे करीब से देख सकें। और हे, क्या है एक अंतरिक्ष अन्वेषण बिना छोटे से चुनौती के? चलिए एक क्विज बनाएं जो आपके चंद्रयान 3 ज्ञान को टेस्ट करे। कौन जाने, आप शायद उसके अंत में एक अंतरिक्ष विशेषज्ञ बन जाएं। आप सोच रहे होंगे, सब इस अंतरिक्ष आनंद के लिए कितना खर्च हुआ? तो लगभग $1 अरब, जरा इधर उधर। तो ऐसे ही हम अंतरिक्ष प्रणोयों, चंद्रयान 3, ये प्रयास जो भारत को नए चंद्रन ऊंचाइयों तक ले जा रहा है, एक सहनशील उतरना एक समय में। तैयार हो जाइए खोजी और अनुसंधान की आत्मा को मनाने के लिए। FIR है लैंडर मॉड्यूल, जो चांद पर ध्यान से उतर जाएगा, साथ ही साथ एक शानदार रोवर को भी लेकर। और क्या, रोवर का काम है चांद की रहस्यमयी पृथ्वी को जांच करने का।